तुम टारगेट किलर थे, तुमने गन तुमने चलाई थी। अच्छा फिर उसको कहाँ पे पकड़ा तुमने, कहाँ पे मिला तुम्हें और कहाँ पे कत्ल किया? हम घर से निकले हैं, हम उसके घर गए हैं, वहाँ पे समरा पहुँचे हैं तो अचानक देखा वो गाड़ी बाहर निकाल रहा तो हमने देखा कि उसका थोड़ा पीछा किया, आगे ट्रैफिक जाम थी, ट्रैफिक खड़ी थी वहाँ पे, तो हमने जो सा है वहाँ पे कौन सी जगह पे समनाबाद वहाँ पे इसको जो सा है गाड़ी इसकी रुकी है, तो मैंने देखते हुए आगे पीछे देखते हुए जाके मैंने उसको टारगेट कर दिया। कितने फायर मारे उसको? मेरे दो या तीन फायर मारे। दो या तीन? तीन है कन्फर्म। तीन फायर मारे, कहाँ पे मारे? उसके गर्दन पे लगे, उसके गर्दन पे लगे। कितनी करीब से मारे? आई थिंक 2 से 3 फीट का फासला था। अच्छा तो वो तुमने तसल्ली की कि मर गया? नहीं, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह वहाँ पे वो टारगेट किया, तो मैंने बस फरवर चलाई और मैं चला गया, भाग गया। अच्छा, फायर मारे तो तुमने जो है वो कत्ल किया फरीद गुजर का? जी हाँ जी, मुझसे गुनाह मानते हो? मेरा गुनाह हुआ मुझसे। पुलिस झूठ तो नहीं बोल रही? मेरा गुनाह हुआ मुझसे, तुमसे गुनाह हुआ। अच्छा आप ये बताओ कि पुलिस वालों को टारगेट किसने करने के लिए कहा और वो वाकया कैसे हुआ? जो बताना है सही बताना, सच बताना। बिल्कुल बिल्कुल सच बताऊंगा, आप काइंडली टेलीकास्ट भी कीजिएगा, क्योंकि सच बताऊंगा। मुझे कुछ अरसा गुजर गया मुझे इस बात के बाद, मुझे शुभाष की कॉल आई कि ये इंस्पेक्टर है शकील भाट। अच्छा, जब तुमने फरीद गुजर को मारा तो उसने तुमसे जो वादा किया था पैसे? नहीं, वो पूरा नहीं हुआ मेरा वादा। वादे पूरा नहीं हुआ? वो सिर्फ इतना हतल मकान हुआ कि जितना जेब खर्चा ये था वो मिल गया था। कितना जी? क्या वो जेब खर्च किया मेरा अपना भी, मेरा सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन उसने अपनी खुशी से जो सा दिया, मतलब वो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपये दिया से इस भाई को जो साथ खड़े, इनको कम से कम 2 लाख रुपया अमाउंट दी इनको, और 50,000 करके ऐसे दी। ठीक है, बाकी मैंने। अच्छा फिर तुम्हें जो पुलिस अफसरान की तस्वीरें मिली उनमें पहले बताओ नाम कौन कौन से थे? मुझे तस्वीरें व्हाट्सअप की, तस्वीरें व्हाट्सअप करके उसने बोला कि ये लोग, उसमें नाम कौन कौन से थे? सर उसने तस्वीरें व्हाट्सअप की, उसने बोला ये लोग हैं इसके CI इंस्पेक्टर, ठीक है, और ये तफ्तीश वगैरह हर चीज़ ये करते हैं। उनमें क्यों मारना चाहता था वो? उनमें जो सा है शकील भट्ट साहब थे, उनमें जो तस्वीरें थी वो मदरी भट्ट साहब की थी, माजिद साहब की थी और अरशद अमीन भट्ट साहब की थी, राशिद अमीन भट्ट साहब की थी। अच्छा ये बताओ कि वो उसने ये नहीं बताया कि वो उनको क्यों कत्ल करवाना चाहता है? मेरे उसने मुझे बोला कि इनकी तुमने जो सा है ना हकीकत करनी है और हकीकत करके तुमने जो सा है ना इनको टारगेट करना है, ठीक है, कत्ल करना है, कत्ल करना है, ठीक है। फिर मैंने सिर्फ इस भाई को बोला जो साथ वाले है, यार तुम इसका जो सा है ना देखो ये कहाँ पे आते जाते हैं, मैं सिर्फ एक बार घर देखने गया और ये भी एक बार घर देखने गया, लेकिन हमने किसका घर देखा? शकील भट्ट साहब का। शकील भट्ट साहब के घर गए? घर देखा। उनको तुमने देखा? मैंने नहीं देखा। इसने देखा? मैंने नहीं देखा, इनसे पूछ सकते हैं। कहाँ कहाँ पे देख के, कहाँ रहते थे वो? वो उनका घर उधर था बदामी बाग में। ठीक है, फिर उसके बाद उनको फिजिकली नहीं देखा वहाँ पे? ठीक है, तुमने तो सिर्फ शूट करना था ना? मैंने फिजिकली देखा उनको, और जब देख के आए तो मैंने शुभाष को रिपोर्ट दी तो मैं देख आया हूँ, लेकिन ये मेरे पास का काम नहीं है। उन्होंने बोला तेरे पास का काम नहीं है तो निकल वहाँ से। इनको भी मना कर दिया अगर तुम लोगों ने वहाँ पे जाना, इसको भी मना कर दिया तुम लोगों ने वहाँ पे, ये दोबारा वहाँ पे नहीं गए। उसके बाद उसने मुझे फिर तस्वीर भेजी, वो तस्वीर थी राशिद अमीन भट्ट की। अच्छा भट्ट साहब की तस्वीर भेजी, इनको इसको टारगेट करना है, ठीक है। इसके लिए जो उनसे है क्या नाम होते हैं जो पिस्टल था वो दोबारा भेजा गया। नहीं, राशिद अमीन भट्ट की तस्वीर आई फिर उसको कहाँ पे रैकी किया? उसने कहा ये बंदा जान एक शादी पे आ रहा है। अच्छा, शादी पे आ रहा है, वो शादी पे आएगा, एक बंदा अंदर मौजूद होगा मुझे बताएगा, वो मैं तुम्हें बताऊँगा, तुमने घर से निकल पड़ना है, ठीक है। उसने वो पिस्टल भेजा तो हम जो उनसे है वहाँ पे अपने घर में बैठे रहे, हम कहीं नहीं निकले बाहर। उसके अचानक कॉल आई, इसने कॉल जी नहीं आ रहा तो तुम लोग जो उनसे है अब छुट्टी करो, चलो मेहरबानी आपकी। उसके बाद जो उनसे है उन्होंने कहा कि क्या नाम लेते हैं, दो तस्वीरें होंगी, तीसरी तस्वीर किसकी आई? तस्वीर वो मोहम्मद अली भट्ट साहब की थी और माजिद साहब की थी, माजिद बशीर की। अच्छा, मोहम्मद अली भट्ट की तस्वीर आई तो उसको कहाँ पे रैकी की? नहीं, उसकी उनकी रैकी कहीं नहीं की हमने। अच्छा, हम वैसे ही वहाँ पे डिफेंस में थे वहाँ पे जो उनसे है हमें वहाँ पे पिस्टल प्रोवाइड किया गया, वहाँ पे भेजा गया, वहाँ पे पिस्टल हमें सिर्फ पिस्टल रिसीव करवाया गया, रिसीव करवा के हमें सिर्फ कहा गया कि तुम लोग वहाँ पे रुको, मैं आपको काम हुआ तो बताऊँगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, हम वापस आ गए। तो मोहम्मद अली भट्ट को भी कत्ल करना था? उसने मोहम्मद अली भट्ट का हमें नहीं कहा गया। तस्वीर आई थी तुम्हारे पे? तस्वीर आई थी। माजिद बशीर की भी तस्वीर आई? माजिद बशीर की और मोहम्मद अली भट्ट की एक शादी में एक्सपेक्टेड था, आना था उसने? नहीं, वो उसने कहा था कि राशिद अमीन भट्ट साहब का कहा था कि वो शादी पे आएंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हें इसने बताया कि इनको पुलिस अफसर आना है और इनको कत्ल करना है, तो तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हें नहीं पता कि मैं सर तैयार नहीं हुआ, मैंने सिर्फ जो सा इसको पहले चले जो गए मैं राशिद अमीन भट्ट वहाँ पे नहीं आया, अगर आता तो तुम उसे
खत्म कर देते उस दिन भी जो सा है, ये सात लड़के खड़े हैं इनसे पूछ सकते हैं, उस दिन भी है कि मैं वहाँ पे सो गया आराम से, इसका फ़ोन दो बार आया मैंने अटेंड नहीं किया, इसके बाद थोड़ा लेट फ़ोन आया, इसने बोला फ़ोन नहीं अटेंड किया तो, मैंने कहा मैं सो गया था, इन्होंने कहा हूँ कुछ नहीं आया हूँ तू जा।